इनका प्रधानाध्यापक कक्ष बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर है, ऑर्गेनाइज्ड है सारी चीज़ें, चाहे इनके रजिस्टर वर्क हों, चाहे कक्षा कक्ष हों, सब बहुत ही व्यवस्थित होता है और प्रेरित करता है कि इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो स्वयं हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी कुछ ऐसा अपना विद्यालय बना सकते हैं एक प्रयास से, मिलजुल कर बच्चों में कार्य करने की क्षमता का विकास हो। ये देखिए एक ग्रुप फोटो सेशन और बच्चों का साथ में कार्य करना, बच्चों को साथ में जो बाल वाटिका है उसका पूरा कार्य देना और सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। ये इनकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, किताबों को पढ़ते हैं और व्यवस्थित, और बच्चे मिल के कार्य करते हैं। और ये इनकी प्रधानाध्यापिका महोदया, बच्चे इनसे बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर विद्यालय, सारी दीवारों से लेके कक्ष सभी बहुत सुंदर। ज्योति साहू मैम, असफिया सिद्दीकी मैम, विनीता मंडल मैम और वहाँ के जो भी शिक्षा मित्र हैं, सबका बहुत योगदान है विद्यालय को सुंदर और बेहतरीन बनाने में। और शिक्षक संकुल बैठक भी इनके विद्यालय में हुई थी, उसकी वहाँ पे महिला अभिभावकों को सम्मानित किया गया था, उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पे देखिए। ये बच्चे हैं, वो उनका कक्षा कक्ष है, टेबल चेयर और बच्चों में साफ सफाई, बैठक व्यवस्था बहुत सुंदर। तो ये प्रेरित करता है कि अब हमारे विद्यालय बहुत बदल गए हैं। और ये दूरस्थ विद्यालय है, ऐसा नहीं है कि ये ऑन रोड विद्यालय है, बहुत दूरस्थ विद्यालय है। और वो होता है कि शिक्षक अपने कार्यों को सबके सामने नहीं रख पाते हैं, जबकि वो कार्य बहुत अधिक करते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चों की खुशहाली के कुछ वीडियोस हैं, आप इसको एंजॉय करिए कि बच्चे किस तरह से खेल खेलना सीखते हैं।
तो आशा है जो मैंने ये ग्रीष्मा अवकाश में एक प्रयास प्रारंभ किया है, अच्छे विद्यालयों में जो कार्य हो रहे हैं उसको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का, और हम सब प्रेरित होंगे, सीखेंगे और नए सत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। और कहा भी गया है, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम सब मिलकर के बेसिक्स के एक एक विद्यालय को अपने स्तर से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और पुनः विनीता मंडल मैम को धन्यवाद इतना अच्छा विद्यालय बनाने के लिए, उनको शुभकामना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।